Hey guys, welcome back to कारिस्तान। और आज का जो वीडियो है ना वो अपना वीडियो है स्कॉर्पियो एन के ऊपर। तो एन के अंदर बेसिकली आपको मालूम है कि पांच वेरिएंट आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलने वाले वेरिएंट है ना इसके अंदर वो दो वेरिएंट है, Z6 और Z8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि Z6 के अंदर और Z8 के अंदर क्या क्या अंतर आते हैं, वो डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। सामने अपने दोनों वेरिएंट खड़े हुए हैं, बात करते हैं शुरुआत इसकी की से। तो की में अगर आप देखते हो तो Z8 और Z6 की ऑलमोस्ट बराबर आती है, एक सी आती है देखने में कि फ्लैप की दिया हुआ ऑप्शन। लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है कि Z8 के अंदर आपको दोनों की में रिमोट सेंटर लॉक मिलती है, Z6 में आपको सिंगल की में सेंटर लॉक मिलता है। तो पहला अंतर तो आ गया अपना सेंटर लॉक का। अब बात करते हैं फ्रंट फेशिया से, फ्रंट फेशिया में अंतर क्या क्या आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं Z6 से। तो Z6 के अंदर आपको सेंटर में ट्विन पीक लोगो आता है, थोड़ा सा आपका ये सैटन यूज किया हुआ सैटन आ जाता है, एंड उसके बाद ग्रिल पे भी आपको सैटन मिलता है। तो यहाँ पे क्रोम नहीं यूज किया है, केवल लोगो आपका क्रोम का है। उसके बाद चलते हैं लाइट्स पे, तो लाइट पे जो असेंबली है वो आपको दोनों हेलोजन रिफ्लेक्टर मिलती है, कि हाई बीम पे भी आपका हेलोजन है, लो बीम पे भी आपका हेलोजन है। अब चलते हैं Z8 के ऊपर, Z8 के ऊपर क्या मिल रहा है। तो Z8 के ऊपर अगेन क्रोम ट्विन पीक लोगो क्रोम में, एंड जो ग्रिल पर जो फिनिश दिया है वो क्रोम का है, ऊपर का ये वाला हिस्सा भी क्रोम का है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर की असेंबली देखने को मिल जाती है, लो बीम पे प्रोजेक्टर, हाई बीम पे आपको हेलोजन मिलता है, एंड नीचे DRLs और फॉग लैंप की असेंबली मिल जाती है जो आपको Z8 के अंदर नहीं मिलती है। तो बेसिक फ्रंट में यही अंतर आ रहा है। स्किड प्लेट्स दोनों की ऑलमोस्ट बराबर आ रही है, अगर आप नीचे स्किड प्लेट्स देखते हो और दोनों की गाड़ी हो गए तो दोनों में सिल्वर स्किड प्लेट दी हुई है। बस सामने जो फेस में अंतर आ रहा है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का, थोड़ा सा क्रोम का, एंड फॉग लैम्प का और DRLs का। तो ये कुछ चीज़ों का अंतर आ रहा है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पर, साइड प्रोफाइल में क्या दिख रहा है। तो दोनों के अंदर ही आपको 17 inches में व्हील मिलते हैं, जो कि दोनों ही नॉर्मल व्हील है, व्हील कवर्स के साथ आती है दोनों गाड़ियाँ। तो देख रहे हो आप, व्हील्स कवर के साथ दोनों गाड़ियाँ आ गई है। और अंदर चलते हैं, मिरर्स पे इंडिकेटर और फोल्डिंग्स दोनों के अंदर आते हैं, दोनों में ही आपको मिरर्स इंडिकेटर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आएगा एक्सेंट का फर्क, कि यहाँ पर जो क्रोम एक्सेंट यूज कर रहे हैं विंडो बेस लैंडिंग पे वो आपको Z8 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, Z6 के अंदर वो चीज़ नहीं मिलते है। इवन यहाँ पे जो डोर्स पे आप देख रहे हो थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिच फिनिश आ जाता है आपको। आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए वजह से आपको एक्सेस की एंट्री का लॉक मिल जाता है, मतलब बटन मिल जाता है। बाकी फुट स्टेप दोनों गाड़ियों में एक से ही आते हैं, व्हील आपको ऑलमोस्ट दोनों एक से लग रहे हैं। बस यहाँ पे आपका क्रोम का फर्क आ गया, जो आपका विंग जो आपका स्टिंग दिया है वो क्रोम में है, यहाँ पे क्रोम में स्टिंग नहीं दिया है। एड्रीनॉक्स दोनों के अंदर ही आ जाता है, तो उस इसमें भी आपको एड्रीनॉक्स मिलता है, उसमें भी एड्रीनॉक्स मिलता है, मतलब कि एलेक्सा की और एड्रीनॉक्स की असेंबली दोनों गाड़ी के अंदर मिलती है। बैक में अगर बात करोगे, बैक में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है गाड़ी के अंदर, दोनों ही ऑलमोस्ट एक सी है। बस यहाँ पर जो फर्क दिख रहा है वो यहाँ पर डोर हैंडल पर क्रोम का फर्क दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देखते हो तो यहाँ पर क्रोम इंसर्ट आ गया। बाकी रियर वाइपर वॉशर डिफोगर आ रहा है, रियर में आपको स्पॉइलर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, तो ये गाड़ी के अंदर आपको मिल रहा है। नीचे आप देखते हो, आप रूफ रेल्स देखते हो, रूफ रेल्स ऑलमोस्ट दोनों में सेम कलर की मिलती है आपको देखने के लिए। पीछे LED कॉम्बिनेशन लैम्प्स आपको एज इट इज मिलती है। टैंक कैपेसिटी की बात करते हो तो लगभग 70 liter का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, एंड दूसरी तरफ इसी वाले टैंक कैपेसिटी में आपको चाबी से अनलॉक कर लेते हैं, यहाँ पे डीजल के साथ साथ आपको DEF फ्यूल के लिए भी लिड मिल जाता है, तो यहीं से आपका DEF भी फिल होगा। तो डिटेल्स में हम लोगों ने बाहर की तो बात कर ली है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की, गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं अपने Z8 से। तो Z8 के अंदर जब आप खोलते हो तो सबसे पहले आप डोर ट्रिम देखते हो, तो डोर ट्रिम आपको यहाँ पे वही सेम एज इट इज मिलने वाली है, रिच और कॉफी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर थोड़ा सा लेदर फिनिश यूज कर लिया है, चारों पावर विंडो की असेंबली, ये आपका पियानो ब्लैक में दिया हुआ है पूरा सिस्टम, एंड विंडो लॉक, डोर लॉक्स एंड साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विथ फोल्डेबल का फंक्शन मिल जाता है। सीट्स आपको अगेन लेदर में मिल जाता है यहाँ पे, कि आपका डबल टोन में दिया हुआ है, ब्लैक और रिच कॉफी का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है साथ के साथ। एंड जो सीट है वो ड्राइवर सीट आपकी 6-way एडजस्टेबल, लेकिन ये मैनुअल एडजस्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं दिया है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की असेंबली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, बीम लेवलर्स देखने के लिए मिल जाती है, कि हाई बीम को अगर आपको लेवल करना है उसके लिए बीम लेवलर्स मिल जाते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाता है पकड़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है तो चढ़ने के लिए आपको ग्रैब हैंडल की जरूरत पड़ेगी।
स्टीयरिंग पे आपको लैदर फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा कि स्टीयरिंग आपका लैदर रैप दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छा फील करवाता है। गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो सेंटर कंसोल में एक तरफ आपको आरपीएम मीटर और दूसरी तरफ आपको स्पीडो मीटर मिल जाता है देखने के लिए। यहीं पर आपका टायर प्रेशर स्मार्ट एमआईडी आ जाता है, जहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। बीच में सेंटर पर ट्विन पीक लोगो मिल जाता है महिंद्रा का, एंड हॉर्न आपको इधर असेंबली मिल जाती है। ड्राइवर साइड सन साइड में आपको नहीं मिलता, आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। सनरूफ के लिए आपको यहाँ से बटन्स मिल जाते हैं कि आप सनरूफ को ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाता है जरिए। ब्लूटूथ की असेंबली मिल जाती है देखने के लिए। IRVM आपका डे नाइट फंक्शन के साथ है कि आप इसे इजीली डे नाइट फंक्शन को मूव कर सकते हो। स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको एड्रेनोक्स मिल ही रहा है, एलेक्सा बिल्ट इन मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। रेडियो की फंक्शनलिटी मिल जाती है। जो इसका स्मार्ट इंफोटेनमेंट का जो आप सेटअप देखते हो ना, बहुत सिंपल रखा हुआ है, बहुत इजी रखा हुआ है, तो आप इजीली यूज कर सकते हो। टच की अगर बात करते हो तो टच बहुत ही सॉफ्ट देखने के लिए मिलता है, इजीली आप टच बहुत सॉफ्ट कर सकते हो। इनबिल्ट नेविगेशन आपको मिल रहा है गाड़ी के अंदर मैपल्स का। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी ट्राई जोन में, मतलब ड्राइवर, को ड्राइवर और पीछे, तो तीन जोन के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाते हैं ड्राइव मोड चेंज करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, बजर्स, ऑटो ऑफ और SOS अगर आपको इमरजेंसी कोई कॉल करना है। गाड़ी आपकी 6+1 में मिलती है, गियर रेशियो जो है वो आपका 6+1 में मिल जाता है। यहाँ पे कुछ आउटपुट मिल जाते हैं आपको USB के और चार्जर के। तो यहाँ पे जो चार्जर वाला दिया हुआ है ये आपका फास्ट चार्जर है, US वाली आपका नॉर्मल चार्ज करेगा। यहाँ पे आप देखते हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा, जो यहाँ पे फिनिश है वो लेदराइट फिनिश में दिया हुआ है। गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं कि पहला एयरबैग यहाँ पर, दूसरा वहाँ पर, तीसरा वहाँ पर दिया हुआ है, चौथा ये, और बाकी सीट्स के दोनों साइड में आपको एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा रिच फिनिश के लिए आपको यहाँ पर सैटन के एक्सेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो सैटन एक्सेंट दिख गया आपको। डोर्स के ऊपर आपको डोर हैंडल्स पर आपको सैटन देखने के लिए एक्सेंट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात कर दो तो यहाँ पर आपको चिलर का भी ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर जो आपका कंपार्टमेंट दिया है क्लब कंपार्टमेंट, यहाँ पर आपको चिलर का ऑप्शन मिलता है। एंड अगर बात करते हो स्पीकर्स की, साउंड सिस्टम की, तो 6 स्पीकर के साथ इसमें आपको असेंबली मिल जाती है साउंड सिस्टम। अब चलते हैं गाड़ी की पीछे वाली सीट पे कि गाड़ी की पीछे वाली सीट पर आपको क्या मिल रहा है, तो वो और देख लेते हैं। सीट पे आपको एक तो स्पेस अच्छा खासा मिलता है देखने के लिए, एंड अगर आप बात करते हो डोर ट्रिम्स की, तो यहाँ पे अगेन आपको लेदर फिनिश देखने को जाता है, कॉफी ब्लैक का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा सैटन क्रोम दिया हुआ है, स्पीकर की असेंबली और बोतल होल्डर। बोतल होल्डर थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन बोतल होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पर 1 लीटर की बोतल आराम से आप डाल सकते हो। ऊपर आप देखोगे ग्रैब हैंडल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे सेंटर में आपको AC मिल जाता है। मैंने इंडिविजुअल AC की बात इसलिए की थी कि यहाँ से ही आप इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर है ये मिनिमम चल रहा है, केवल आपको ब्लोअर स्पीड ही कंट्रोल होती है इसके अंदर, तो ब्लोअर स्पीड कंट्रोल होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मिल जाता है पोर्ट सी टाइप का चार्ज करने के लिए, उस तरफ भी आपको गाड़ी के अंदर ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाता है। डोर स्ट्रिम बिल्कुल ऑलमोस्ट एक सी है, एंड यहाँ पे आपको पीछे मिल जाती है LED लाइट्स। पीछे वाली सीट की अगर बात करते हो तो पीछे वाली सीट पर भी आपको LED लाइट्स मिल जाती है देखने के लिए कि आपका रीडिंग लैम्प दिया हुआ है, ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, क्वार्टर पैनल ग्लास का साइज अच्छा खासा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट आप चला के देखोगे तो ऑलमोस्ट गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ही इसका बिल्कुल अलग है। जेट सिक्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है, तो पहला तो मैं आपको फ्रंट दिखाई चुका हूँ कि गाड़ी के अंदर फ्रंट में आपको 6 के अंदर आ गए हम लोग। तो जेट 6 के अंदर पहले तो आपको फुटस्टेप वही मिलते हैं, कॉफी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड टच मिल जाता है, जो वहाँ पर आपको पियानो ब्लैक मिल रहा था ना, इसमें यहाँ पे रफ ब्लैक मिल रहा है। बाकी फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं आता है, केवल मिरर एडजस्टमेंट आता है और चारों विंडो की असेंबली मिल जाती है। सीट्स में आप देखते हो तो यहाँ पर लेदर नहीं है, केवल फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, तो फैब्रिक कॉम्बिनेशन में सीट्स मिल जाती है। 6 में यहाँ पर भी आपको ड्राइवर एडजस्टमेंट सीट्स मिल जाती है, यहाँ पर आपका बीम लेबरस मिल जाता है, एंड
गाड़ी आपकी चाबी से स्टार्ट होती है, तो W6 के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है, आपको चाबी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी एक्सेंट आपके सिल्वर वाले यहाँ पे मिल जाते हैं। अगेन ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया, ग्रैब हैंडल्स आप ग्रैब कर सकते हो। स्टीयरिंग आपको नॉर्मल मिलता है, यहाँ पे कोई भी लेदर फिनिश नहीं दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। एंड एक तरफ आपका क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं, महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो आ जाता है आपको देखने के लिए। एंड गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अगर आप बात करते हो सेंटर कंसोल की, मतलब मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल ऑलमोस्ट साइज वाइज एक ही है, साइज में कोई अंतर नहीं किया गया है। एंड गाड़ी के दिल के पास, कि दिल गाड़ी का जो होता है वो होता है उसका इंजन, तो इंजन की अगर आप बात करोगे ना, तो इंजन आपको सेम एज इट इज वही मिलना है जो आपको मिलता है, मतलब कि केवल Z2 के अंदर ही आपको डीजल इंजन चेंज होता है। बाकी अगर पेट्रोल की बात करोगे तो पेट्रोल में सारे दोनों के अंदर एक ही मिलने वाला है। मतलब अगर आप बात करते हो अगर डीजल की, तो डीजल के अंदर आपको दो तरह से इंजन मिलता है। Z2 में बात करो, Z2 में थोड़ा सा आपका पावर कम हो जाता है, Z4 के बाद आपको पावर सेम मिलता है Z8L तक। तो 175 PS का इंजन है ये, जो कि 380 NM का टॉर्क जनरेट करता है लगभग। एंड पेट्रोल की बात करोगे तो पेट्रोल में यही गाड़ी आपको 203 PS की पावर और लगभग 380 NM का टॉर्क जनरेट करता है। तो पावर वाइज केवल पेट्रोल में फर्क आया, बाकी दोनों में Z6 में और Z8 में कोई भी अंतर नहीं आया है। तो बेसिक जो अंतर आया है वो आया है केवल फीचर्स का और सेफ्टी का, कि सेफ्टी में वहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिल गए, यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। बाकी अगर आप इंटीरियर में बात करते हो तो लेदर वेदर का फिनिश का फ़र्क आया, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो ऑलमोस्ट इस गाड़ी का हम लोगों ने पूरा देख लिया है कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, और डिटेल्स में हमने बता दिया है कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई गाड़ी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।